फ्रेंड्स, आज हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कंडीशंस और वर्किंग रूल फॉर एलपीपी प्रॉब्लम्स पर जैसे जो है बनाया है और उसमें इंक्लूडेड आपका एक्सरसाइज 12.1 है। यहाँ पर आपका 12.2 जिसमें आपके हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड हैं और जो आप पढ़ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम इस टाइप से पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स आप जो है एलपीपी प्रॉब्लम्स आप पढ़ रहे हैं। फ्यू आर एन एलिमेंटरी प्रॉब्लम्स हैं, डाइट प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोरेशंस प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स वगैरह में आपका यूनिट्स वगैरह खंड कर रहता है कि किस हिसाब से आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट शॉर्ट टर्म हो। डाइट प्रॉब्लम में जैसे फूड प्रॉब्लम्स वगैरह में कौन से विटामिन वगैरह का क्या किस हिसाब से आप यूज करें तो आपको जो है बेनिफिट हो इन योर लाइफ। एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लोकेशन प्रॉब्लम भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आ जाता है। एग्जाम्पल इसका गिवन है आपके, हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जो है पुट अप कर रहे हैं। सो सी, आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट प्रॉब्लम इन योर एक्सरसाइज 12.2, इट इज रिलेटेड एज अ डाइट प्रॉब्लम्स। गिवन रेशमा फीचर्स टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच अ वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। यहां पर जैसे टाइप्स ऑफ फूड है पी और क्यू, टाइप्स ऑफ विटामिन है ए एंड बी एंड द गिवन कॉस्ट आर रिस्पेक्टिवली हार्ड फूड पी ₹60 पर केजी एंड फूड क्यू ₹60 पर केजी। यहां पर जो पहले टाइप के फूड का जो कॉस्ट है वो ₹60 पर केजी में आपको ऑब्टेन मिल रहा है, माने ऑब्टेन हो रहा है और सेकंड जो फूड आपका है पर केजी आपका ₹80 लग रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी जैसे गिवन है आपका फूड पी कंटेंट 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, जबकि फूड क्यू कंटेंट आपका 4 यूनिट्स विटामिन ए एंड आपका 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। आपको मिनिमम कॉस्ट आपको बताना है इन मिक्सचरों का। तो जैसे आपको सबसे पहले जज करेंगे क्वेश्चन में, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है, कंसंट्रेंट मींस इनइक्वालिटी फाइंड करने हैं। हमने अकॉर्डिंग टू सपोज कर दिया क्वेश्चंस कि लेट रेशमा मिक्सेस x के लिए आप फूड पी एंड y के लिए आप फूड क्यू। ये जैसे मिक्स करने हैं दो टाइप के फूड्स आपको, जिसमें पहला जैसे आपका गिवन है कि रिक्वायरमेंट फर्स्ट का आपका 80 यूनिट्स है और इसमें आपका फूड पी कंटेंस 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए लिया, विटामिन बी लिया हमने, क्वांटिटी ले लिया क्या मिक्स कर रही है रेशमा, टाइप्स ऑफ फूड ले लिया और कास्ट पर केजी ले लिया, ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर जैसे टाइप्स ऑफ फूड में आपके पास पी और क्यू है, क्वांटिटी जो आपने मिक्स किया बाई रेशमा मिक्सेस एक्स के लिए आप फूड पी एंड वाई के लिए आप फूड क्यू। हियर फॉर विटामिन ए एंड वी आर गिवन इंफॉर्मेशन 3 यूनिट्स पर के लिए आप विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर के लिए आप विटामिन बी। तो फूड पी के लिए आपका है 3 यूनिट्स पर के लिए आप विटामिन ए एंड 5 के लिए पर यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ये फूड पी के लिए गिवन है। और फूड क्यू के लिए जैसे आपका गिवन है 4 यूनिट्स आपका 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड सेकेंड आपका गिवन है 5 यूनिट्स या 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। आप इसको जैसे ये वाले पॉइंट्स को नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने जैसे इस तरह से ऑब्जर्वेशन दिया और इसका 80 रुपीज जो है पर के जी। अब जो मिक्सिंग हो रहा है इट मीन्स टोटल यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ये जो पी और क्यू का जो मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट केस में आपका 3x+2y इसको सब करेंगे आप, विटामिन बी वाले में आपका 5x+2y जैसे आपने किया। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि कॉस्ट पर के जी आपका 60 और 80 है, रिक्वायरमेंट्स जैसे देख रहे हैं एट लीस्ट एट यूनिट्स किसके लिए आपका है एल वी आर गिवन विटामिन ए, हियर
कंटेन्स द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का एट लीस्ट वैल्यू आपका 11 यूनिट्स है, विटामिन ए का एट लीस्ट 8 यूनिट्स है। एट लीस्ट का मीनिंग हो गया जब आप इसमें इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो यहां पर 3x + 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यदि आपका यही मैक्सिमम होता तो लेस देन इक्वल टू हो जाता। सिमिलरली आपके एट लीस्ट में आपका 11 यूनिट्स है तो 5x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 11 यूनिट्स होगा। एट लीस्ट आपका गिवन है इसलिए ग्रेटर देन का केस लगाएंगे। मिनिमम क्वांटिटी आपको गिवन है यहां पर और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका गिवन है z इक्वल टू 60x + 80y और ये कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सिंस रेस में मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय ग्राफिकल मेथड्स। नाउ इक्विवेलेंट इक्वेशंस आर रिस्पेक्टिवली 3x + 4y इक्वल टू 8 फॉर दिस इनइक्वालिटी and for second 5x + 2y is equal to 11। अब हमने यहां पर क्या किया कि इसको ऑब्जर्वेशन टेक जैसे हमने बनाया, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सिमिलरली y एक्सिस पॉइंट को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और y एक्सिस को किस पॉइंट पर, x एक्सिस को जैसे किस पॉइंट पर। इसके लिए हमने क्या किया, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 और y एक्सिस we have x of 0 put करेंगे तो then 4y equal to 8 and the value of y equal to 2 here. Similarly if you put y equal to 0 then the value of x equal to here at y 3 and second ये point आपका extra है, आप चाहे तो ले भी सकते हैं नहीं ले सकते। रफ में हमने क्या किया इन दोनों का intersect point जैसे obtain किया तो intersect point में जैसे आप वहां पर 2 का multiple कर देंगे तो आपका क्या बन गया 10y और प्लस 4y इक्वल टू 22 और ये आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू x सबट्रैक्टिंग किया आपने और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका 7x ये इक्वल टू आपका हो गया 14। ये आपने देखा कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, यदि आप x इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1/2। सिमिलरली ये इंटरसेक्ट पॉइंट है आपका, इट मींस दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 2.5। ये आपका आप चाहे तो ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, यहां पर हमने ऑब्जर्वेशन टेबल पर भी ये पॉइंट्स ले लिए हैं। इसके लिए यहां पर हमने लिया है ऑन द बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस दिया 10 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये ग्राफिकल में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इसका इस ऑब्जर्वेशन के टेबल के अकॉर्डिंग इस लाइन का जो लाइंस है आपका ग्राफ का लाइंस इक्वेशन जो आपका 5x + 2y = 11 जो बन रहा है आपका ये बन रहा है इसका फर्स्ट 5x + 2y = 11 का 0 एंड 11/2 तो 0 आपका ये हो गया 11/2 मींस 5.5 अप्रोक्सीमेटली है। ये आप चाहे तो आपका 0 एंड 11/2 ये पहले लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट है। सेकंड में जैसे आपका है या 11/5 = 0 11/5 का मतलब हो गया 2.1 तो अप्रोक्सीमेटली ये जो बनेगा यहाँ पर आपका क्या बन रहा है 11/5 इस पॉइंट पर आपका एंड 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट है। सेकंड में 2.5 तो 2.5 ये इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों के अकॉर्डिंग लाइन में। सेकंड लाइन में 3x + 4y = 8 इस ऑब्जर्वेशन के टेबल अकॉर्डिंग 0 एंड 2 एड बाय 3 एंड 0 एड बाय 3 मींस 3 टू द 6 और आपका हो जाएगा 2.3 अप्रोक्सीमेटली ये जो आपका यहां से पास होकर जा रही है इंटरसेक्ट पॉइंट दोनों का आपका 2.5। अब ये देख रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग अब आपका टुवर्ड्स द ओरिजिन है और फॉर अवे द ओरिजिन के लिए हमने क्या किया दिया 3x plus 4y, 3x plus 4y is greater than equal to आपका है। तो origin point जैसे आप देखेंगे, यदि आप 0-0 यहाँ पर देख रहे हैं, तो 0 is not greater than x, so ये far away का origin, इसका जो second portion है, 3x plus 4y का,
ये आपका 3x plus 4y, ये इसका भी आपका हाफ आने का ऑरिजन है। सेकंड केस में जैसे आप देख रहे हैं, इसका भी आप देखेंगे 5x plus 2y, 5x plus 2y भी आपका वही केस में है कि 5x plus 2y greater than equal to 11 है, इसकी भी जब ऑरिजन पॉइंट आप देखेंगे तो इट इज आल्सो फार अवे फ्रॉम द ऑरिजन, दस द इंटरसेक्ट पॉइंट वी हैव ओनली वन एंड फिजिकल रीजन इज हियर, इट इज अनबाउंडेड रीजन सिंस मिक्सेस है, सो एक्स एंड वाई बोथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी सेलेक्ट दिस पोर्शन ओनली हियर इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड वी हैव ओनली वन कॉर्नर पॉइंट फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट मींस जेड इक्वल टू 60x प्लस एट वाई। सो सी नाउ सी अकॉर्डिंग टू फिजिकल रीजन द कॉर्नर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड वी हैव टेकन एज अ पॉइंट सी। नाउ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली ए बी एंड सी, we have taken the point A, it is equal to 8 by 3, 0, and point B, 2 and half, and point C, 0 and 11 by 2, and the objective function that is equal to 60x plus 80y, meter per cost है, आपको minimum value आप लेकर करना है, so at the point A, we have the value of Z, 60 into 8 by 3 plus 80 into 0, it means 160, ये रुपीज आपका है। सिमिलरली टू एंड हाफ द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 16 टू 2 प्लस 18 टू हाफ, यह भी आल्सो है रुपीज 160 एंड एट द पॉइंट सी 0 एंड 11 बाय 2, 0 एंड 11 बाय 2 हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ जेड रुपीज 440, दस यह मिनिमम वैल्यू R2 at the corner points are respectively point A and point B. It is required answer for this question. I hope you will solve similarly in another problems. Thanks.